तो सबसे पहले जो मेरी पिछली वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, कैसे मैंने एज अ विप्रो वेज प्रोग्राम ज्वाइन किया था और मैंने जो वर्क प्लस अर्निंग काइंड ऑफ जो प्रोग्राम होता है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, उस सबके बारे में बात की थी। तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन थे वो स्टूडेंट्स लोगों ने पूछे थे यूट्यूब कॉमेंट्स में, एंड ऑल्सो कुछ लोगों ने लिंक्डइन पे पिंग किया था, कुछ ने सिर्फ थैंक्स बोला और कुछ लोगों ने जो कुछ क्वेश्चन पूछे थे। तो मुझे जो लगा कि ये जो क्वेश्चंस है काफ़ी जनरल हैं और शायद बाकी लोगों को भी जो ये क्वेश्चंस जो हैं वो जानना चाहते होंगे, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो सबसे पहला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था वो ये था कि MCA करें या फिर जो कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है BCA के बाद जिसमें आप वर्क प्लस स्टडी कर सकते हो, वैसे प्रोग्राम के लिए जाए। तो मेरे ओपिनियन में मुझे नहीं लगता कि जो MCA प्रोग्राम है वो इतना फ़ायदा आपको देगा, और मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि उसमें इतना ज़्यादा सीखने को है जो कि आप वर्क प्लस स्टडी करते हुए नहीं सीख सकते हो। ठीक है, तो मैं हमेशा जो है, मैं जो आपका वर्क जो एक्सपीरियंस है या जो हमेशा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा उसको जो वेटेज है उसको ज़्यादा वेटेज देता हूँ, और आई थिंक जो इंडस्ट्री भी है उसको ज़्यादा वेटेज देती है, बिकॉज आपने स्टडी की है और लाखों लोग जो हैं वो स्टडी करते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज जो आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते अपने वर्क एक्सपीरियंस के साथ, तो वो स्टडी के जो है इतने ज़्यादा कुछ मायने रह नहीं जाते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको BCA के बाद MCA करना चाहिए या आपको जो है MTech वगैरह जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होते हैं वर्क प्लस लर्निंग प्रोग्राम उसके थ्रू करना चाहिए, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि जो आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वर्क प्लस लर्निंग उसके थ्रू आगे अपना ग्रो करो। अब बात करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स पूछे थे कि यार कौन से ऐसे टॉपिक्स जो पढ़ें जो कि जिसके बाद जो है श्योर शॉट जो है जॉब मिल जाएगी। अब देखो जो IT फील्ड है वो बहुत तेज़ी से ग्रो होती रहती है और इसमें बहुत तेज़ी से चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्किल सेट 2 या 3 साल पहले जो बहुत ही बूम कर रहे थे वो आज की डेट में जो है मे और मे नॉट बी ग्रोइंग। ओके, तो ऐसे चीज़ें रहती हैं। तो लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी के हिसाब से जो ट्रेंडिंग में हैं और आने वाले एटलीस्ट 3 से 5 साल बहुत ही ट्रेंडिंग में रहने वाली हैं, तो मैं उस कुछ जो टॉपिक्स हैं और जो टेक्नोलॉजीज हैं उन सब के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी की। तो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जो डेफिनेटली अभी ग्रो कर रही है और फ्यूचर में भी ग्रो करेगी, और उसका रीज़न ये है क्योंकि जो डेटा ग्रोथ है बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत से यूज़र्स हैं वो अब ऑनलाइन आ चुके हैं और वो डिफरेंट मीडियम से जो है चीज़ों को एक्सेस करते हैं। हो सकता है वो जो छोटे यूज़र्स थे जो कभी जो है लोकल बिजनेस करते थे, आज उन्होंने अपनी वेबसाइट बना ली है और वेबसाइट के थ्रू जो है ई कॉमर्स के साइड अपनी चीज़ों को खरीद या बेच रहे हैं। तो इन केसेस में क्या हुआ है, जो डेटा ग्रोथ इतना बड़ा है और जो बहुत से लोग जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए हैं, उसकी वजह से जो है कि जो हैकर्स थे, ठीक है, और या जो हम बोल सकते हैं नॉट सो गुड यूजर्स थे जो कि हमेशा स्पैमिंग में या जो है मालवेयर में या इन चीज़ों में जो विश्वास रखते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। तब उसको टैकल करने के लिए जो साइबर सिक्योरिटी है जो इसकी डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो अगर आज के डेट में आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। और इसके लिए आपको पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको जो है नेटवर्किंग की थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन जो है आप बिल्ड करना शुरू करो एज अ स्टूडेंट, अगर आप BCA वगैरह में स्टडी कर रहे हो तो। और उसके अलावा जो है आपको डेफिनेटली डेटाबेस की और जो है जो एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, स्पेशली जो इनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स वगैरह होते हैं उसकी जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगेन एज अ स्टूडेंट अगर आप ये सब चीज़ें सीखना चाहते हो तो मैं हमेशा यही एडवाइस करूँगा, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं वो देखो और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत करो, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप जॉब करना स्टार्ट करोगे तो आपका जो है ऑब्वियसली वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होने वाला है। तो जो कॉलेज लाइफ है वो उसको इन्जॉय करो, उसके साथ साथ में जो अपनी लर्निंग वगैरह है वो कंसिस्टेंट रखो। ऐसा मत करो कि यार पहले आप एकदम से आप 10-15 दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उसके बाद सडनली आप में आप मतलब 4-4 दिन कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर रहे हो, तो वो जो पैटर्न है वो सही नहीं है। आप एक कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन रखो और जो अपना आपका जो स्टडी है प्लस जो लर्निंग है उसको साथ साथ लेकर चलो। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो बात करते हैं डेटा साइंस। तो डेटा साइंस अगेन बहुत ग्रोइंग फील्ड है, अभी ग्रो हो रही है और फ्यूचर में भी ये डेफिनेटली ग्रो होने वाली है। अगेन उसका रीज़न ये है कि जितने भी बिजनेसेस हैं और जो डेटा ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और जितने भी बिजनेस हैं उनके पास डेटा बहुत ज़्यादा है और डेटा को समझने के लिए उन्हें जो है डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस जो है साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उस डेटा को समझा सके एक बिजनेस फॉर्म में और एक मीनिंगफुल फॉर्म में। तो दोस्तों अगर मैं इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से समझाना चाहूँ तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट जो भी डिसीजन लेता है कि किस टाइम पे जो है मुझे
प्रमोशंस जो है देने चाहिए, या किस टाइम कौन सा ऐसा टाइम है जब मैं सेल करूंगा तो मुझे ज़्यादा रेवेन्यू होगा। तो ये सब जो डिसीजन बनते हैं, ये जो डिसीजन मेकिंग के लिए जो डेटा है, जो बायर्स हैं उनके डेटा को यूज़ किया जाता है, उनके बिहेवियर को जो पैटर्न है वो एनालाइज किया जाता है कि जब ये सीज़न होता है या ये फेस्टिव सीज़न होता है तो इस आवर में है जो जो सेल बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो सारा जो एनालिसिस होता है वो एज अ डेटा साइंटिस्ट ही करता है। अगेन डेटा साइंटिस्ट भी बहुत वास्ट फील्ड है, तो इसके बारे में बहुत डिटेल वगैरह में मैं नहीं जा रहा किसी भी टॉपिक के, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि जो इनके एक्सपर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी के लिए जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, डेटा साइंटिस्ट के लिए जो डेटा साइंटिस्ट एक्सपर्ट है आईटी की फील्ड में, उन सबसे कनेक्ट करवा सकूं, और अगर पॉसिबल हुआ तो उनके साथ एक एक वीडियो इस टॉपिक पे बना सकें, जिससे क्या हुआ कि आपको बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। तो अब जो थर्ड फील्ड है, वो फील्ड है उसकी बात करते हैं, वो है AI एंड मशीन लर्निंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की डिमांड अभी से बहुत बढ़ रही है और ये फ्यूचर में बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने वाली है। और उसका एक और एक रीज़न ये है कि जो जितनी भी कंपनीज है वो बहुत तेज़ी से ऑटोमेशन पे मूव करना चाहती हैं, ठीक है। तो ऑटोमेशन पे मूव करने के लिए उन्हें AI और मशीन लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगेन इसके बहुत से अदर यूज़ केसेस भी हैं, जैसे मशीन लर्निंग में अगर बात करें तो जो डेटा बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए आप मशीन लर्निंग का यूज़ करते हो, उसके बाद जो है फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, स्मार्ट कार्स हो गया, तो इन सब में जो है मशीन लर्निंग वगैरह की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जितना भी आपका प्रिडिक्टेबिलिटी हो गया और जो इन सब चीज़ों के लिए बेसिकली आपको जो मशीन लर्निंग वगैरह की के बहुत से यूज़ केसेस हैं उसको यूज़ कर सकते हो। अगेन मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूँगा जी कि आप अभी से बहुत ज़्यादा इसको जो है जो आप इसके फंडामेंटल जो है एज अ स्टूडेंट सीखना शुरू करो, बहुत ज़्यादा किसी एक टॉपिक के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो फंडामेंटल्स को एक्सप्लोर करो, उसके बाद जो है आपको आपका इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू होगा, उसके बाद जो धीरे धीरे आप जो है इसके ज़्यादा टेक्नोलॉजी के डीप डाइव कर सकते हो। अगर इनिशियली आप बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसने लगोगे तो उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट लूज हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे जो चीज़ें हैं कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी जो कि ग्रो हो रही है और ग्रो होने वाली है, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑलरेडी जो है बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है और फ्यूचर में भी बहुत ही तेज़ी से ग्रो होगा। रीज़न उसका ये है कि जो क्लाउड को बहुत ही इजीली आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही इजीली आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हो, एप्लीकेशन एनवायरनमेंट बिल्ड कर सकते हो, और एज अ अगर आप डेवलपर हो तो आपको जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड वगैरह करने की बहुत ही आप क्विकली कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली जो बिजनेसेस थे उनको आज की डेट में ऑनलाइन आने के लिए जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, तो इसलिए जो क्लाउड की डिमांड है बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाली है। अगेन इसके जो अदर थिंग्स है जिसकी वजह से क्लाउड एनवायरनमेंट ग्रो हो रहा है, जैसे कि ऑब्वियसली आपका कॉस्ट का हो गया मैटर, या ऑब्वियसली आप इजिली स्केल कर सकते हो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो ये सब बहुत सी चीज़ें हैं जो अलग अलग फैक्टर है जिसकी वजह से लोग क्लाउड पे मूव कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू होने वाला है अभी से लेके जो फ्यूचर के, एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ जो फ्यूचर है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ क्लाउड AI ML वगैरह का, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं जो कि डेफिनेटली ग्रो करने वाले हैं, तो आप कोशिश कीजिए जो ये सबको हमेशा पढ़ें और इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी जो है वो अभी से एज अ स्टूडेंट आप जो है बिल्ड करना शुरू कर दें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करते हैं, वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो हो गया आपके, जैसे स्मार्ट वॉचेज हो गए, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर हो गया, आज की डेट में आई थिंक हर कुछ स्मार्ट है, स्मार्ट AC हो गया। तो क्या है, ये जो जितने भी डिवाइसेज होते हैं ये आपस में एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकते हो, इसको आप हो सकते हैं अपने मोबाइल से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो यूज़ केसेस बहुत सारे हैं, इनफैक्ट जो ऑटोमेटिक कार है उसमें भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स या मशीन लर्निंग या इन सब से रिलेटेड जो है टेक्नोलॉजीज वगैरह का यूज़ होता है। तो अगर आप इन सब जो टॉपिक्स जिस पे अभी हम लोगों ने बात की है इन पे अगर आप सीखते हो तो डेफिनेटली जो है फ्यूचर में आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। और नॉट ओनली लाइक फुल टाइम जॉब, इफ़ यू वांट आप कंसल्टिंग वगैरह भी कर सकते हो या डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हो। तो अगेन इसको क्विकली एक समराइज कर सकते हैं जो टॉपिक की मैंने बात की थी। सबसे पहले मैंने बात किया था साइबर सिक्योरिटी, और उसके बाद बात किया था डेटा साइंस, फिर आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग ले, और उसके बाद फिर बात की थी क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, ठीक है। तो ये सारे ऐसे टॉपिक है जो डेफिनेटली ग्रो करने वाले हैं फ्यूचर में, और इसमें अगर आप इसमें स्किल सेट जो है गेन करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो जॉब वगैरह मिलने के चांसेस बहुत हाई होंगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें डेफिनेटली जब आप इसको पढ़ रहे होगे आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कोशिश करूंगा फिर जो ये सब एक्सपर्ट्स हैं इनसे मुझे बात करनी पड़ेगी अगर, और इनसे देखना पड़ेगा
कि कब ये अवेलेबल होते हैं, तो कोशिश करेंगे इनसे मिल सके और धीरे धीरे जो है जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज ये दे सकते हैं आप लोगों को वो शेयर कर सके।